अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़रक शाह ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपको फोटोशॉप से इसी तरह फ़ोटो एडिटिंग इफेक्ट सिखाऊंगा। ये लैपटॉप कंप्यूटर एंड पीसी में फोटोशॉप से इसी चलता है, हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में वर्क नहीं करता और ना ही चलता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इस तरह के एडिटिंग सीखना चाहते हैं और इस तरह के फ़ोटो इफेक्ट लगाना चाहते हैं अपनी पिक पर, तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। फोटोशॉप एक्सप्रेस को आपने ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक ऐड करनी है, मैंने ऑलरेडी की हुई। आपने यहाँ पे स्प्लैश में आना है और यहाँ पे स्प्लैश वाले ऑप्शन में आपने आना है। यहाँ पे आपने एक इफेक्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आरजीबी वाला भी है और रेड वाला भी, आपने आरजीबी वाला इफेक्ट लगा देना है इस पर और इसको यहाँ पे कर देना माइनस, सॉरी माइनस कह रहे हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर रख लेना है और इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है 10 तक और शार्पन को भी आप 9 तक बढ़ा देना है। रिड्यूस लुमिनस नॉइज में आना है, इसको भी 9 तक बढ़ा देना है। अब आपने रिड्यूस कलर नॉइज में आना है और इसको भी 10 तक बढ़ा देना है। अब आपने करना क्या है, आपने कंट्रास्ट में आना है और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। हाईलाइट को भी थोड़ा सा आपने बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाना। शेडो को भी आपने बढ़ाना है, माइनस करेंगे तो ब्लैक पिक हो जाएगी, ठीक है। ये पिक ब्लैक हो जाएगी शेडो। अब आपने विब्रेंस थोड़ी सी बढ़ानी है 5 तक और सेचुरेशन ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी और माइनस भी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा से कलर इसमें आ जाएगा तो ये पिक ठीक नहीं लगेगी। यहाँ पर हमारा काम तमाम हो गया है फोटोशॉप एक्सप्रेस में। आपने करना क्या, आपने इसको शेयर करना है, जैसे कोई गैलरी में भी इसको, ये भी मैंने तरीका आपको बता दिया, ये सेव होगी गैलरी में। आप यहाँ पे अब आपने करना कि आप इसे शेयर डायरेक्ट भी किसी भी ऐप में कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसको लाइट रूम में शेयर कर दिया, ठीक है। लाइट रूम में मैंने शेयर कर दिया, अब मैं यहाँ से अपना लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। मैंने दोनों तरीके बता दिए कि सेव कैसे करते हैं, सेव का भी तरीका बता दिया और लाइट रूम एप्लीकेशन में भी पिक हमारी आ गई है, आ गई होगी, थोड़ा टाइम लेगी लेकिन वहाँ से शेयर भी कर सकते हैं आप। यहाँ से भी आप फोटोशॉप एक्सप्रेस का फोल्डर ढूंढ लेना है, ठीक है। फोटोशॉप एक्सप्रेस का फोल्डर ये वाला, तो इसको शेयर आपने कर लेना है लाइट रूम एप्लीकेशन में। लाइट रूम एप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेना है आपने। अब ये लाइट रूम में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लेने के बाद ये पिक आ गई होगी हमारी, तो पिक आ गई हमारी। अब आपने करना क्या है फ्रेंड, आपने सबसे पहले तो आपने कलर में आना है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स पे क्लिक कर देना है और ह्यू को बढ़ा देना है और सेचुरेशन भी थोड़ी सी बढ़ा देनी है, लुमिनस भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। ऑरेंज वाले ऑप्शन में इसको हल्का सा माइनस करना है, सेचुरेशन हल्की सी बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी, लुमिनस थोड़ा सा बढ़ाना है और जो येलो है इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, सेचुरेशन भी बढ़ा देनी है और लुमिनस भी बढ़ा देना है। अब आपने ग्रीन में आना है, इसको माइनस कर देना है, सेचुरेशन बढ़ा देना है और लुमिनस भी बढ़ा देना है। अब आपने सियान में आना है, सियान का ह्यू माइनस कर देना है, सेचुरेशन थोड़ी सी बढ़ानी है, लुमिनस थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब आपने ब्लू में आना है और ब्लू को आपने फुल माइनस कर देना है, ठीक है। ब्लू को आपने फुल माइनस कर देना है, यहाँ पर सारा काम यहाँ पर है, ठीक है। और इसका आप मतलब सेचुरेशन जितनी भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, 9 पर रखूँगा और इसका लुमिनस आप माइनस भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको बढ़ा दूंगा। लुमिनस आपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ताकि ये बैकग्राउंड पर सियान कलर ना आए, ठीक है। और इसका पर्पल को माइनस कर देना है और सेचुरेशन आपने बढ़ा देनी है और लुमिनस जो है ना इसको भी बढ़ा देना है और जो लास्ट वाला कलर है हमारा पर्पल, इसको माइनस कर देना है, सेचुरेशन बढ़ा देनी है, लुमिनस भी बढ़ा देना, ओके कर देना है। अब आपने करना कि इफ़ेक्ट में आना है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्चर थोड़ा सा इसमें डालना है, तकरीबन 10 तक इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी इसमें डाल देनी है, यहाँ पे ओके कर देना है। अब आपने आना है डिटेल में, यहाँ थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। ये बैकग्राउंड जो पीछे सियान भी अगर आप करना चाहें, ये देखना यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ निशान, यहाँ पर आप सियान भी कर सकते हैं लेकिन मैं सियान नहीं करूँगा। आपने थोड़ी सी बढ़ानी है, नॉइज रिडक्शन जैसे ही लगाएंगे ना, ये वाला जो भी है ना लाइट रूम में नॉइज जैसे लगाएंगे पिक में चमक भी आ जाएगी, फुल HD भी बन जाएगी और इसमें और स्मूथ भी सारी हो जाएगी, ठीक है। ये लगाना मत भूलिए, डिटेल थोड़ी सी बनानी है, कंट्रास्ट बढ़ा देना है और कलर नॉइज रिडक्शन भी ऐसा ही है, ठीक है।
इंक्रीज करेंगे ये पिक की आप क्लैरिटी देख सकते हैं कितनी चमक आ गई, कितनी फुल HD वाइज नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर और भी इस पर अगर आर्टिस्टिक में जाकर इस पर लगाना, प्रोफाइल में जाकर इस पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। तो फ्रेंड आज का हमारा बस यही था ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।